दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भानु हॉस्पिटल कुल्लू कलेहली एंड बगला मंडी। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एनपीए बंद करने के विरोध में सोमवार को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक 1.5 घंटा पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इस दौरान अस्पताल में उपचार करवाने आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओपीडी में चिकित्सक न होने के चलते मरीजों का उपचार करवाने के लिए काफी हुजूम उमड़ा रहा। आपातकाल में ही चिकित्सक सेवाएं देते हुए अस्पताल में नजर आए। इस बारे में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह रुड़की और जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित ठाकुर का कहना है कि अगर सरकार एनपीए की बहाली नहीं करती है तो ये आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह रुड़की, ज्वाइंट सेक्रेटरी एचएमओए ब्रांच स्टेट। सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो एनपीए जो आने वाले डॉक्टर हैं, जो नए डॉक्टर हैं, जो जिनका ये बंद करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही गलत स्टेप है, क्योंकि हमारी जो नौकरी है वो एनपीए का मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ही लेना नहीं होता है। हम लोग एमरजेंसीज करते हैं, दिन रात जब पोस्टमार्टम आता है तो पोस्टमार्टम भी करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, और हमारा जो काम है वो पूरा जोखिम से भरा है। कोविड काल में हमने इतनी अच्छी सेवाएं दी हैं हिमाचल में, तो एनपीए का मतलब सिर्फ एक प्रोत्साहन था कि ताकि हिमाचल के डॉक्टर बहुत अच्छा काम करें, और इस निर्णय से हमारे जो नए बच्चे हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, और पूरा समाज ही अब ये सोच रहा है कि क्या अब हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए। सिर्फ नौकरी का मसला नहीं होता है, ये एक स्टेट की एक पॉलिसी होती है, डॉक्टरों का आत्म सम्मान की बात होती है। यदि सरकार इस प्रकार के निर्णय लेती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर तब भी हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस निर्णय के बारे में गंभीरता से सोचें। हिमाचल एक बहुत छोटी स्टेट है, हमारे हिमाचल के लोग बहुत गरीब हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, और अभी भी हमारी सरकारी सेवाएं बहुत जगह नहीं पहुँच पाती हैं। यदि इस प्रकार का यदि निर्णय रहेगा तो हमारे मनोबल और जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो बोलना ही मुश्किल है कि उनका मनोबल कितना गिरेगा। तो फिर से हम लोग अनुरोध करते हैं, और ये हमारी जो 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक है ये चलती रहेगी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री और एचएम और हमारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे चाहूँगा कि इस निर्णय को दोबारा से सोचें, और कृपया एनपीए जो है आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी चालू रखें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित ठाकुर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा एनपीए खत्म करने का आदेश हुआ है, इस संदर्भ में सारे डिस्ट्रिक्ट के चिकित्सा अधिकारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की है। ये स्ट्राइक सरकार को हमारी संवेदनशीलता जताने के लिए की गई है। हम ऐसी आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात समझे और ये निर्णय जल्द से जल्द वापस ले। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसबीर सिंह की रिपोर्ट। बीमार अब नहीं रहा लाचार, भानु अस्पताल में हो रहा है मुफ्त उपचार। जी हाँ, 4 लेन बगला मंडी के भानु अस्पताल में दूरबीन विधि और लेजर से हेम केयर तथा आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोतिया का ऑपरेशन तथा आंख के पर्दे के लेजर और ऑपरेशन की सुविधा भी है। भानु अस्पताल में स्त्री रोग के लेजर ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन भी किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भानु अस्पताल में पित्त की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए भानु अस्पताल बगला मंडी से संपर्क करें 9459299996।